हरियाणा में बिजली के अभाव का संकट दस्तक देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सामान्य मौसम से पूर्व ही गर्मी द्वारा रौद्र रूप धारण किए जाने के हालात के बीच बिजली के मौजूदा संकट को यदि आग में घी डालने जैसा नाम दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि शासन और प्रशासन और बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला द्वारा इस संकट का समाधान होने वे जल्द ही इस पर काबू पाए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण अंचल व जिला झज्जर की बात की जाए तो जिस तरह से लोगों को गर्मी के इस संकट से गुजरना पड़ रहा है वही शासन और प्रशासन के इन दावों की हवा निकाल रहा है। दावा अंडर करंट का है, लेकिन जिला झज्जर में बिजली संकट पूरी तरह से बरकरार है। बिजली कटों के चलते जिला झज्जर हाहाकार के कगार पर है। हालांकि पूरे जिले में बिजली किल्लत का संकट आम जन झेल रहा है, लेकिन इस संकट से वह लोग भी अछूते नहीं है जिनके यहाँ बिजली उत्पादन के लिए पावर प्लांट लगाए गए थे और उन्हें 24 घंटे बिजली दिए जाने की बात इसलिए कही गई थी क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए लगाए गए संयंत्र में उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था। हम बात कर रहे हैं जिले के झाड़ली क्षेत्र के उस बिजली प्लांट की, जहां वर्षों पूर्व कांग्रेस शासनकाल में दो बिजली की यूनिटें लगाई गई थी और यहां पर 2800 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है, लेकिन इसी क्षेत्र के गाँव झाड़ली सहित उन चार गांवों में बिजली के भयंकर कटों से लोग बेहाल है। ग्रामीण अंचल के लोगों के अलावा शहरी क्षेत्र के लोगों का भी घंटों लगने वाले बिजली कट से बुरा हाल है। चिलचिलाती गर्मी में लोगों का दिन ही नहीं रात में भी पसीना निकल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पहले ही कोरोना काल में उनका व्यापार काफी प्रभावित हुआ था, लेकिन अब जबकि उन्हें अपने व्यापार की कुछ उम्मीद बंधी है तो बिजली के कई कई घंटों के कट ने उनका व्यापार पूरी तरह से चौपट कर दिया है। इन्वर्टर बैटरी पूरी तरह काम छोड़ चुके हैं क्योंकि चार्ज होने के लिए जो कैपेसिटी बैटरी को चाहिए वह उन्हें मिल नहीं पाती और व्यापार उनका चौपट हो चला है, जिसका कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के पानीपत, खेतगढ़ व झाड़ली पावर प्लांट के अलावा अन्य इकाइयों में भी फॉल्ट आने के चलते बिजली उत्पादन काफी प्रभावित हुआ है, जिसका सीधा असर आम जन के जनजीवन पर पड़ रहा है। 40 डिग्री टेम्परेचर के बीच लोगों की बिजली के कई कई घंटे कट होने से जान पर बनाई है। उधर झज्जर बिजली विभाग के अधिकारियों ने ये तो माना कि प्रदेश की बिजली इकाइयों में उत्पादन ठप होने के चलते थोड़ी बहुत परेशानी बिजली में आ रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विभाग इंतजाम कर काम चला रहा है। उम्मीद यही है कि जल्द ही ये परेशानी दूर होने वाली है, कारण कि शासन और प्रशासन दोनों ही इस मामले पर बेहद गंभीर है। जो बार बार बिजली के कट लग रहे हैं उसको लेके क्या कहना है, कितनी परेशानी आ रही है? बिजली के बिना तो आजकल कोई काम ही नहीं चल रहा है, सब ऑनलाइन सिस्टम है, पेमेंट भी, ट्रांजैक्शन भी, कंप्यूटर वर्क भी, सभी ऑफिस में कंप्यूटर्स हैं, सभी ऑपरेटर खाली बैठेंगे। और अभी तो गर्मी स्टार्ट ही हुई है, अभी से ही हाल है, आगे आने वाली भयंकर गर्मी में क्या होगा। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इनको बिजली की जो किल्लत है उसको दूर किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए, जो खराबी आ रही है मशीनरी में उनको ठीक किया जाए, नहीं तो जनता और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। सभी काम बिजली से ही चलते हैं, बिजली के बिना कोई ऑफिस, घर का या बैंक का या किसी सरकारी दफ्तर का काम नहीं चल सकता। प्रधान जी, जो बिजली के कट लग रहे हैं, क्या परेशानी, क्या समस्या आ रही है? परेशानी तो शुरुआत के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी चल रही है, 45 डिग्री सेल्सियस जो है अप्रैल में चल रहा है, बहुत ही गंभीर विषय है। सरकार जो है, पता है कि 3 यूनिट पहले सरकार के बंद हैं, ये पता नहीं किस कारण से बंद है, और इतनी भयंकर गर्मी में जो मंदे का हमारा दौर है, इसका मुख्य कारण यही है कि जो कट है 3-4 घंटे का, तो बहुत ही शहरों के अंदर जब ये हाल है तो गांव में क्या हाल होगा। तो ये हम तो मांग करते हैं कि इस पर प्रॉपर ध्यान दिया जाए, जो यूनिट हैं उनको जो है प्रॉपर उनकी देख रेख करके इंजीनियर द्वारा चालू किया जाए, अन्यथा जो छोटे मझोले व्यापारी हैं उनके पास तो इन्वर्टर भी नहीं है, तो बिना इन्वर्टर जो है ग्राहक को हम कैसे अटेंड करेंगे, ग्राहक कैसे दुकान पर चढ़ेगा। पहले ही मंदे का दौर है और दूसरा फिर उसके बाद जो लाइट है वो बराबर हमें परेशान कर रही है, इसमें जो हमारा घर का रोष है डिपार्टमेंटल में। तो मैं डिपार्टमेंटल के नाते सरकार से यही मांग करूंगा कि इसी इसका समाधान किया जाए। बिजली के कट लग रहे हैं शहर में और गाँव में, तो क्या परेशानी आ रही है? गर्मी का मौसम है, दुकानदारों के पास, मध्यम वर्ग के पास जो है बैटरियां नहीं है, इससे कस्टमर आता नहीं, आता है तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। इस मौसम के अंदर जितने लंबे जो कट लग रहे हैं ये गलत लग रहे हैं, इसी मौसम में लाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसी मौसम में डिपार्टमेंट लाइन खराब होने का बहाना बना के, रिपेयरिंग का बहाना बना के बिजली काट रहे हैं, इससे आम जन बहुत ज़्यादा परेशान है।